नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ज़बरदस्त जंग छिड़ी है। हालात इतने ख़राब हैं कि दोनों देशों की सेनाएं अब दोनों ही मुल्कों में रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही हैं। फिक्र इस बात की है कि अगर जंग इसी तरह बढ़ी तो न जाने आगे क्या होगा। ऊपर से कई मुल्कों ने इन दोनों मुल्कों का समर्थन या विरोध शुरू कर दिया है, जिससे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं मामला विश्व युद्ध में न बदल जाए। तुर्की ने अजरबैजान का तो रूस फ्रांस ने आर्मेनिया का समर्थन किया है। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। जिधर नजर जा रही है बस तबाही है। आग है, धुआं है, उजड़े आशियाने हैं। हर तरफ तन और मन से जख्मी लोग हैं। लहूलुहान इंसानियत है, लेकिन युद्ध है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मानो सब कुछ तबाह कर देने पर तुला है। नोगार्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर शुरू हुई ये जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के सिर पर तो मानो खून सवार है। दोनों देशों की सेना अब रिहायशी इलाकों पर भी बम और मिसाइलें दाग रही हैं और आम नागरिक बेमौत मारे जा रहे हैं। जंग में नागरिकों पर हमला करना एक अपराध है और इस अपराध पर पूरी दुनिया में खलबली है। दुनिया के तमाम देश आर्मेनिया और अजरबैजान से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आर्मेनिया विवादित क्षेत्र से हटना ही नहीं चाहता और अजरबैजान ने दो टूक कह दिया है कि जब तक आर्मेनिया नगर्नो काराबाग से नहीं हटता, युद्ध बंद नहीं हो सकता। 10 दिन की जंग के बाद अब जनता झुलसने लगी है। ऐसे में अगर इस आग को जल्द नहीं बुझाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया जंग की इस आग में झुलस भी सकती है। यह अजरबैजान का एक डम इलाका है। जलते हुए घर, पूरी तरह तबाह हो चुके ट्रक, जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े, हर तरफ बिखरा मलबा, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध किस भयावह स्तर तक पहुंच चुका है। अब नागरिक निशाने पर हैं, उनके घर निशाने पर हैं। जिस नोगार्नो काराबाख पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, वो इलाका ही तबाह हो रहा है। वहां लोग मारे जा रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का एक दूसरे पर रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप है। और वीडियो बता रहे हैं कि आरोप गलत भी नहीं है। दक्षिणी काकसस इलाके में ये पिछले 25 साल की अब तक की सबसे खौफनाक जंग है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 27 सितंबर से शुरू हुए इस युद्ध में आर्टिलरी, टैंक और लड़ाकू विमान शामिल हैं। युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि दोनों ओर से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। धमाकों और तबाही की ये तस्वीरें नोगार्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्त की हैं। आर्मेनिया ने ये वीडियो जारी कर बताया है कि अजरबैजान इस रिहायशी इलाके पर भी हमला कर रहा है। अजरबैजानी आर्म्ड फोर्सेस स्टार्टेड टारगेटिंग इंटेंशनली सिविलियन ऑब्जेक्ट्स एंड पॉपुलेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वी हैव ऑलरेडी टेंस ऑफ कैजुअल्टीज एंड मच मोर वुंडेड। इस हमले में नोगार्नो काराबाख के कम से कम 18 नागरिक मारे गए और 90 से ज्यादा घायल हो गए। इससे पहले दोनों देशों के बीच 1990 में युद्ध हुआ था, जिसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार की जंग उससे भी ज्यादा भयावह है। हालांकि दोनों देश रिहायशी इलाकों पर हमले से इनकार कर रहे हैं,
लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि दोनों देश सोशल मीडिया पर भी जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरें और वीडियो जारी करके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये वीडियो अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता सुशान स्टेपनियान ने जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने दावा किया है कि अर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के नागरिकों को ट्रैप में फंसा लिया और कम से कम 200 अजरबैजानी सैनिक मारे गए। दोनों देशों पर युद्ध का ऐसा उन्माद छाया हुआ है कि सही गलत का भेद मिट गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अगर तत्काल युद्ध विराम की कोशिशें तेज नहीं की गई तो आगे अंजाम कितना भयानक होगा ये कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये जंग जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर छिड़ी है। आर्मेनियाई फौज जमीन के इस टुकड़े में दाखिल हो चुकी है और वहां पर अपना कब्जा कर चुकी है। अजरबैजान फौज का कहना है कि अगर आर्मेनिया ने इस जगह को खाली नहीं किया तो आगे जंग के हालात और भी बुरे हो सकते हैं। नगरनो काराबाख में फैला तबाही का ये मंजर बार बार मानो यही कह रहा है कि अब ये जंग बंद होनी चाहिए। जंग से केवल तबाही आती है, भला किसी का नहीं होता। लेकिन इस जंग के 10 दिन से भी ज्यादा गुजरने के बावजूद इसे रोकने की कोई भी असरदार कोशिश नजर नहीं आ रही। जंग रोकने के लिए दोनों देश जो बातें कर रहे हैं उससे तनाव और बढ़ ही रहा है। युद्ध रोकने के लिए अजरबैजान ने जो शर्त रखी है वो आर्मेनिया कभी नहीं मानेगा। अजरबैजान की शर्त है कि आर्मेनियाई सेना नगर्नो काराबाख इलाके से पूरी तरह हट जाए तो युद्ध खत्म हो जाए। सारी लड़ाई इसी इलाके के लिए ही है। आर्मेनिया ने शुक्रवार को युद्ध विराम और शांति की पहल का प्रस्ताव रखा था। आर्मेनिया का प्रस्ताव था कि वो रूस, अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर नगर्नो काराबाख में युद्ध विराम बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहता है। ये तीनों देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE मिन्स्क ग्रुप के सह अध्यक्ष हैं। ये तीनों देश इससे पहले युद्ध विराम की अपील कर चुके हैं लेकिन अजरबैजान ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ विवादित क्षेत्र पर किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इधर तुर्की ने साफ कर दिया है कि इन तीन देशों का इस क्षेत्र में शांति कायम करने में कोई भूमिका नहीं है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह साफ है कि आर्मेनिया बातचीत से विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहता बल्कि वो उन इलाकों को छीन लेना चाहता है जिन पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है। अब अजरबैजान चाहता है कि किसी भी शांति प्रक्रिया में तुर्की को जरूर शामिल किया जाए। रूस, अमेरिका और फ्रांस की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाले अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीवे का तुर्की को शामिल करने का प्रस्ताव जाहिर तौर पर आर्मेनिया भी कहां मानेगा। आर्मेनिया तो तुर्की पर उसी वक्त से भड़का हुआ है जब उसने सार्वजनिक रूप से अजरबैजान का साथ देने का ऐलान किया था। तुर्की के इस बयान की फ्रांस में भी आलोचना की गई थी। तुर्की और अजरबैजान दोनों ने आर्मेनिया पर आरोप लगाया है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर युद्ध अपराध कर रहा है। एक इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि शांति की प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू होगी, जंग हमेशा नहीं चल सकती, इसीलिए शांति की प्रक्रिया जितनी जल्द शुरू हो अच्छा है। इस मामले से दूसरे पावरफुल देश ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति ऐसा नहीं चाहते। युद्ध विराम के लिए अजरबैजान की जो शर्तें हैं वो भी जान लीजिए। आर्मेनिया अजरबैजान के इलाके नगर्नो काराबाख से अपनी सेना हटाए। आर्मेनिया इस बात की इंटरनेशनल गारंटी हासिल करे कि वो एक तय समय पर सीमा में नगर्नो काराबाख से हट जाएगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति का कहना है कि उनके देश की नजर दूसरे की जमीन पर नहीं है लेकिन जो उनका है वो उनका है। अलीयेव का ये भी आरोप है कि अजरबैजान पर हमला कर आर्मेनिया रूस को युद्ध में घसीटना चाहता है। इधर आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने नगर्नो काराबाख की राजधानी पर मिसाइल हमले किए। आर्मेनिया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक राजधानी स्टेपनगर्द पर मिसाइल हमले किए गए। हमले के बाद राजधानी के कई इलाकों में बिजली गैस की सप्लाई ठप हो गई।
कुल मिलाकर सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इसलिए इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कहीं इस युद्ध में बड़े देश भी न कूद पड़े। आज तक ब्यूरो। क्या दोनों देशों की फौजें पीछे हटेंगी? क्या इन दोनों के बीच कोई शांति समझौता हो सकता है या क्या है शांति समझौता के बीच अड़चनें? दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए वारदात। वैसे तो दोनों ही देशों के लोग इस जंग से परेशान हैं और शांति चाहते हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस आर्मेनिया की तरफ से मध्यस्थता के लिए भी तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की अजरबैजान की तरफ से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तुर्की को अमेरिका, रूस और फ्रांस की ये मध्यस्थता पसंद भी नहीं है और यही शांति वार्ता में अड़चन डाल रही है। दुनिया शांति की अपील कर रही है लेकिन नगोर्नो काराबाख में धमाके जारी हैं। जो हालात बन रहे और दिख रहे हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के दूसरे देशों का इस युद्ध में कूदना तय है और अगर ऐसा हुआ तो नगोर्नो काराबाख की जंग की आग में पूरी दुनिया झुलस सकती है। किस तरह दूसरे देश इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और मामला किस तरह पेचीदा होता जा रहा है ये देखिए। आर्मेनिया चाहता है कि रूस, फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में शांति प्रक्रिया की शुरुआत हो। तुर्की इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि इन तीनों देशों की इस जंग में कोई भूमिका नहीं। अजरबैजान चाहता है कि शांति प्रक्रिया में तुर्की को भी शामिल किया जाए। ये बात आर्मेनिया को पसंद नहीं। कुल मिलाकर अमेरिका, फ्रांस, रूस और तुर्की इस संघर्ष के दायरे में आ चुके हैं। अगर गतिरोध जारी रहा और किसी का भी दिमाग खराब हुआ तो विश्व युद्ध की आग भी भड़क सकती है। अगर शांति कायम नहीं होती है और दोनों देशों में पूरी तरह युद्ध छिड़ जाता है तो इसमें रूस और तुर्की निश्चित रूप से कूदेंगे। आर्मेनिया में रूस का सैन्य ठिकाना भी है। तुर्की ने तो पहले ही मदद की घोषणा कर दी है और जंग में वो अजरबैजान की हर संभव मदद करेगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पानशियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति अली येव से फोन पर बातचीत की। मैक्रों ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के सामने मिंस्क ग्रुप के दायरे में नए सिरे से दोबारा बातचीत शुरू करने की नई पेशकश की। फ्रांस का कहना है कि वो शांति कायम करने की कोशिशें जारी रखेगा। पानशियान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। पुतिन और पानशियान ने फोन पर 6 दिनों में 3 बार बात की है। रूस का कहना है कि मिडिल ईस्ट के आतंकवादी इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजे गए हैं। पुतिन ने तत्काल युद्ध विराम पर जोर दिया है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।